ऐसा लगता है कि कपिल शर्मा की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ कपिल शर्मा के पुराने को-स्टार कपिल शर्मा के साथ काम नहीं करना चाह रहे और उसका शो छोड़कर जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब कपिल शर्मा के शो को बताया जा रहा है पनौती। और ऐसा कहने वाला कोई और नहीं बल्कि KRK है। लेकिन KRK ने ऐसा क्यों कहा, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को देखना अंत तक, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर रोज ऐसी ही खबरें मिल सके। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि शाहरुख खान की पठान मूवी जब रिलीज हुई तो उससे पहले सब सोच रहे थे कि शाहरुख खान कपिल शर्मा शो पर पठान का प्रमोशन के लिए जरूर आएंगे। लेकिन शाहरुख खान ने पठान का प्रमोशन कपिल शर्मा के शो पर नहीं किया और पठान मूवी एक बहुत ही बड़ी हिट हो गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अक्षय कुमार अपनी हर फिल्म का प्रमोशन करने के लिए कपिल शर्मा के शो पर जरूर जाते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कपिल शर्मा के शो का प्रमोशन उनके कुछ काम नहीं आ रहा है और अक्षय कुमार की फिल्में फ्लॉप पर फ्लॉप होते जा रही हैं। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए बॉलीवुड के KRK कमाल आर खान ने कहा है कि कपिल शर्मा का शो बन गया है पनौती और अक्षय कुमार की फ्लॉप फिल्मों का कारण बताया जा रहा है कपिल शर्मा के शो को। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि शाहरुख खान ने कपिल शर्मा के शो पर अपनी फिल्म का प्रमोशन नहीं किया तो वो फिल्म बहुत ही बड़ी हिट रही। वहीं दूसरी तरफ अक्षय कुमार ने अपनी फिल्मों का प्रमोशन कपिल शर्मा के शो पर किया और इसी कारण वो सारी फिल्में पिट गई हैं। और इसी कारण कमाल आर खान मतलब कि KRK ने सीधा निशाना साधा है कपिल शर्मा के शो को और बता दिया है कि ये शो एक पनौती बन चुका है और अब कोई भी इस शो पर अपनी फिल्म का प्रमोशन करेगा वो फिल्म नहीं चलेगी। लेकिन फिल्म के चलने या ना चलने का कारण तो फिल्म की स्टोरी और उस फिल्म के स्क्रीन प्ले पर ही डिपेंड करता है कि कैसा डायरेक्शन किया गया है, उसमें कपिल शर्मा का क्या दोष है। कपिल शर्मा तो बस उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं जिससे कि वो अपने फिल्म का प्रमोशन कर लेते हैं। इसमें कपिल शर्मा के शो को पनौती बताया जाना कितना सही है कितना गलत है ये तो आप लोग ही डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कपिल शर्मा का शो सच में ही एक पनौती बन गया है और क्या सच में ही फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस को अपनी फिल्म की प्रमोशन कपिल शर्मा के शो पर नहीं करनी चाहिए? इस मुद्दे पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कपिल शर्मा के शो पर फिल्मों के प्रमोशन करने के कारण फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।